रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पालक के साथ एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले आपने इस रेसिपी को कभी ट्राई ना किया होगा, तो उसके लिए यहाँ मैंने ये देखे पालक ली है, इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। मैंने इसकी सारी डंडियां निकाल दी है, हमें डंडियां इस रेसिपी में नहीं चाहिए। पालक को मैंने काट लिया, अब हम इसमें थोड़ी सी यहाँ सब्जियाँ डालेंगे। उसमें है मेरे पास ये देखिए एक दर मैंने साइज का प्याज था, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर था, इसे भी मैंने यूँ बारीक बारीक काट लिया है। तीन हरी मिर्चें ली मैंने, इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास यहाँ अदरक है, ये देखिए इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप काट लें या फिर आप कद्दूकस कर लें। थोड़ा सा सब्ज धनिया, अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल लेंगे। उसमें है मेरे पास 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स है मेरे पास, 1 टीस्पून ही मेरे पास ये देखिए काली मिर्ची का पाउडर है। मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाल रही, लेकिन अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तो इतनी ही चिल्ली इसमें काफ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ ही मैं इसमें यहाँ 1 कप बेसन डालूंगी, 1/2 कप मैं इसमें सूजी डालूंगी। सूजी कई किस्मों की आती है, आप थोड़ा जो बारीक वाली सूजी होती है आप वो लीजिएगा। दोनों डालने के साथ अब हम हाथ से अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि पालक और ये जो टमाटर प्याज हैं इनमें से भी पानी निकलेगा। पानी डाले बगैर ही पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें प्याज डाला है, टमाटर डाले हैं, नमक डाला है, और नमक डालने के साथ ही पालक में से जितना पानी होता है वो सब निकल आता है। पहले हम इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे। बिना पानी डाले मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देखें कितना थिक सा बन गया है। अब यहाँ मेरे पास ये थोड़ी सी अजवाइन है, इसे हम यूँ हाथों से मसल के तो डाल देंगे। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने पानी डाल के तो ये देखिए इसका एक बैटर सा तैयार कर लिया है। आप इसे देख लें कि ये कैसा है, इसकी थिकनेस चेक कर लें। पैन हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, अब हमने जो बैटर तैयार किया था उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें से ऐसे स्पून लेके तो डालेंगे, बिस्मिल्लाह ऐसे डाल के तो ऐसे इसे फैला लेंगे। फ्लेम को हम बहुत लो पे रखेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे थोड़े से सेकंड के लिए, ताकि ये अच्छे से ऊपर से पक जाए। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, आप भी कोई ऐसा स्पून लीजिएगा, इससे आसानी से साइड चेंज हो जाती है। साइड चेंज करने के साथ ही आप इसे ऐसे हल्का हल्का स्पून के हेल्प से दबा दबा के पका लीजिएगा। पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी सा बना है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे पालक के पराठे लिक्विड डो के साथ। मैंने इसे बनाया है, मैंने इसे बहुत हेल्दी तरीके से बनाया है। मैंने इसमें सूजी इस्तेमाल की है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या आपसे हैंडल नहीं हो रहे, तो आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी क्वान्टिटी में मैंने इसमें सूजी डाली है आप उतनी ही क्वान्टिटी में मैदा डाल लें या फिर आटा डाल लें, बनाइएगा। मेरी इस रेसिपी को बहुत हेल्दी है। अगर आप रूटीन के पराठे खा खा के तंग आ गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप हैरान रह जाएंगे इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, अगर आपने रात को पालक काट के धो के रखी हो तो सुबह ये ईजिली बन जाते हैं। तो बनाइएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे भी रिस्पॉन्स दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आपको। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।